लॉन्ग कास्टिंग के लिए हमने फ्रॉग का वेट बढ़ाया है, आप भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाना है ये लिंक में, वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कीजिए और आप भी वेट बढ़ा के लॉन्ग कास्टिंग कर सकते हैं फ्रॉग को। ये देखिए दोस्तों, खास करके वीडियो इसलिए अपलोड किया है ताकि आपको दिखा सके, हमारे यहाँ कर्नाटक में लोकल गांव वाले भी फिशिंग रॉड ले लिए हैं एंगलर को देख देख कर। ये यहीं खेती में काम करते हैं, यानी जब टाइम मिलता है तब यहाँ हर रोज़ फिशिंग कर रहे हैं। बता रहे थे कि परसों इन्होंने बहुत बड़ा स्नेकेट पकड़ा था यहाँ से, तो चलो अच्छा है, फर्स्ट मैं भी शौक हो गया देख के, लेकिन अब हम लोग को चांस थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हम 100 किलोमीटर से आते हैं हफ्ते में एक बार और ये यहाँ डेली फिशिंग कर रहे हैं। ये देखो पानी के अंदर जाके निकाला इसको, ये देखो इतने अंदर जाना पड़ा इसको निकालने के लिए, बहुत देर बाद अब जाके एक लगा है। ब्लैक पर्ल रॉड, पिन फिशर रील और मुल्लर फ्रॉग लाइन है एफटी के। हेलो दोस्तों, आज हम आए स्नेकेट फिशिंग के लिए और हवा बहुत तेज़ चल रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से स्ट्राइक ज़्यादा नहीं मिला, ज़्यादा मतलब इनको एक स्ट्राइक हुआ वो मिस हो गया और मुझे एक छोटा लग मिला है। छोटा हो या बड़ा वो लक का बात है, लेकिन स्ट्राइक मिलना चाहिए, फिर आप निकालोगे कैसे निकालोगे आपके ऊपर है। तो हवा और ये देखो प्लेस, पानी के अंदर जाके खेलना पड़ा है, हमारा जूता कीचड़ में, देखो कीचड़ में हो गया पूरा। अभी टाइम बाकी है, देखेंगे शाम तक और क्या बाइट होता है, स्ट्राइक होता है कि नहीं, और आपके साथ शेयर करेंगे।
दोस्तों आज का ट्रिप इधर ख़त्म होता है। क्या बोलूँ, सिर्फ हमें आज एक ही स्नेकर लगा मुझे, और हवा इतना तेज़ है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दूसरी मेन बात, सब नेटिंग किया हुआ है साइड से, जाला मछली का जाला डाला हुआ है, तो इससे मछली किनारे पे मरल नहीं आ पाएगा। तो एक ये भी वजह है जो जाले नेटिंग किए हुए हैं, जाले की वजह से भी इधर स्ट्राइक नहीं मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।